हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, हम वो आज एक फीमेल जैक बनाने वाले हैं जो कि छोटे मोटे एम्पलीफायर बनाए 5 वोल्ट वाले, उनमें लगाने के लिए, बस बैटरी चार्ज करने के लिए, कोई इमरजेंसी टॉर्च बनाते हैं उनमें लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें एक फीमेल जैक मार्केट में मिलता है 10 रुपये का। तो फ्रेंड्स, वो अब हम घर पर बनाएंगे। फ्रेंड्स, वो 10-20 रुपये का मिलता है, हम इसको फ्री में बना लेंगे, एकदम फ्री में। फ्रेंड्स, आपके पास नहीं है तो आप 5 रुपये के हिसाब से ही मार्केट से ले सकते हो अपने। वैसे फ्रेंड्स, आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं इस जैक को, ये जैक आपको ख़राब मोबाइल चार्ज के अंदर मिल जाएगा। मैं उसके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको 2 लेनी है, ब्लैक और रेड वायर, जो कि माइनस प्लस के हिसाब से। आप वायर का कलर कोई भी ले सकते हो। ये हमारा पेस्ट है, उसको इसको थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये पेस्ट है जो कि इसको आपको पेस्ट में इस वायर को लगा लेना है, दोनों वायर को लेना है फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से, और अपने जैक में इसको लगा देना है। आपको मैं वीडियो को लास्ट से लेके पूरा देखना फ्रेंड्स, मैं आपको हर जानकारी दूंगा। आप सोल्डरिंग आयरन लेना, उस वायर को सोल्ड कर देना। मैंने वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, आप देख सकते हो मैं किस प्रकार से क्या कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपके लिए बहुत भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। देख सकते हो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको इस पर थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग लगा देना है, इससे हमारी ये सोल्डरिंग आयरन थोड़ी मजबूत बन जाएगी और करने में भी आसानी होगी। जैक पे हम बहुत पतले पतले इस पर पॉइंट्स रहते हैं, उन पर हमें ये वायर शोल्ड करनी है, तो वहाँ पे थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी वायर शोल्ड करने में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा जैक, इसमें आपको माइनस प्लस बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स। इसका ये इसके लास्ट पिन और जो पहली पिन होती है ना, उन पे आपको वोल्टेज मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। बीच में जो कि 4 या 5 पिन है ना, ये आपकी डेटा के लिए होती है, हमें कोई यूज में लेनी नहीं है फ्रेंड्स। हमें इसकी पहली और लास्ट की पिन ही यूज में लेनी है। साइड में देखना आप, इसमें 4 पिन है बीच में, वो आपके कोई काम की नहीं फ्रेंड्स, आपको लगा देने। फ्रेंड्स, इसका प्लस पॉइंट ये उल्टा करके पकड़ने पर, सीधा करने पर आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस वायर शोल्ड कर रहा हूँ, आपको बहुत ही आसानी से इस पर वायर शोल्ड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इस पर एक प्लस का वायर शोल्ड हो चुका है, अभी हमें करना है इस पर माइनस का वायर शोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये दोनों वायर कंप्लीट हो चुके हैं, इस पर कनेक्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अब इसको टेस्टिंग करने की बारी है, हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये चलता है या फिर नहीं चलता। फ्रेंड्स, ये 100% चलेगा और एकदम अच्छा जुगाड़ है फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे आपको ये वाली पिन नहीं मिलती है, जो कि आप इसको अपने मार्केट से ले सकते हो। इस प्रकार से आपको मोबाइल चार्ज के स्लॉट लगाना है और आपको पीछे इन दोनों वायर में वोल्टेज देखना कितना आए। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार तसल्ली के लिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको मल्टीमीटर को 20 पे सेट करना है, डीसी 20 पे, और इन वायर पे आपको वोल्टेज चेक करना कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा 5.61 यानी 5.6 5.5 वोल्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पिन सक्सेस हो चुका है। अब बात आई फ्रेंड्स, हमें इसको चिपकाना कैसे है। देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसका रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। मैं इस प्रकार से इसको बना रहा हूँ। ये हमारा हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये मार्केट में आपको 10-15 रुपये की 10 रुपये की 5 रुपये की आपको एमसीन मिलती है, आपको ये ले आनी है फ्रेंड्स। आप अगर 10 रुपये की एमसी लाओगे ना, तो मेरे हिसाब से आप 100-150 पिन बना सकते हो। इसमें इतना कम एमसी लगता है कि देखना आप कितना सा लगेगा, इसमें बहुत कम लगेगा। मैं तो इसमें ज़्यादा ही लगा रहा हूँ, वैसे एमसील की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पीसीबी पे सोल्ड करोगे तो। अगर आप ऐसे ही बना रहे हो गोल बिना पीसीबी के, तो आपको थोड़ी बहुत इसमें एमसील लग जाएगी।
इस पे जो हमें सोल्डिंग की हुई थी वहाँ पे इसको इस प्रकार से लगा देना है, और सूखने के बाद ये पॉइंट हमारा यहाँ से टान नहीं जड़ेगा। आप इसको कहीं पे सोल्ड नहीं करोगे तो आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो। आप इसमें और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, वो मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो बस आपको एक आइडिया दिया है कि आप इस प्रकार मेल फीमेल जैक बना सकते हो अपने किसी भी बैटरी चार्ज करने के लिए और भी वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स मैं इसको बनाने के बाद मिलता हूँ, इसको पूरा मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने इस पे ये जो पीसीबी थी मेरे पास, जीरो पीसीबी थी, उस पे मैंने इसको सोल्ड कर लिया है। देख पा रहे होंगे इसकी और भी खासी मजबूती हो चुकी है। आप इस पे लगाओ तो लगाओ, एमसील कोई ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स, मैंने तो इस पे ऐसे ही लगा दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा पिन बन के कम्प्लीट हो चुका है, एकदम अच्छे से मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, अभी सूखा नहीं फ्रेंड्स। सूखने के बाद आपको एक बार इसको टेस्ट करवा दूंगा। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। देख सकते हो आप मैंने इसको अच्छे से मजबूती से इस पर लगा दिया है, हमारा जैक बन चुका है। फ्रेंड्स आप इसमें LED वगैरह लगा सकते हो, पूरा मॉड्यूल की तरह इसको बना सकते हो। फ्रेंड्स मैंने इस पर इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में